हेलो एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। आज दो ऐसे स्टॉक लेके हैं जो आने वाले टाइम पे उस पे कुछ चार्ट में पॉजिटिव देख सकते हैं, उस पे चार्ट पे चर्चा होगी। उस पे चर्चा करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन मिस होने का मतलब है कि उससे आपकी कुछ ना कुछ जरूर लर्निंग मिस होगी। लर्निंग मिस होगी तो नॉलेज मिस होगी, नॉलेज मिस होगी तो अर्निंग भी मिस हो सकती है। देखिए दोनों स्टॉक है, चार्ट कुछ अच्छा लग रहा है, यानी कि चार्ट का सेटअप अच्छा लग रहा है, उसे क्या कर सकते हैं आप अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं, अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे। कोई भी स्टॉक किसी भी कंपनी का नाम लिया जाता है वो सिर्फ एज ए एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है, और जब भी लेवल की बात करते हैं यानी कि किस लेवल तक आ सकता है किस लेवल तक जा सकता है, वो सिर्फ चार्ट पैटर्न सीखने सिखाने के लिए किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोगों ने स्टॉक दिए थे उनके कुछ लेवल हिट हुए हैं, तो उस पर एक क्विक अपडेट देते हैं। देखिए सोलारा 473 के आसपास दिया था और 620 रुपये इसका सेकेंड लेवल था, फर्स्ट लेवल पहले अचीव हो चुका था। आज इसने 657 पे क्लोजिंग कर ली, यानी कि 50% मात्र 2 से 3 मंथ। यहाँ पे हुक्टा मार्की पे दिया था 349 के आसपास दिया था, 410 पे आज इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसे बताया था कि 320-30 की रेंज में आएगा, तो आप इसे देख सकते हैं आज की डेट में 410 रुपये, ये भी मात्र 2 से 3 मंथ हुए हैं। IF भी 1500 के आसपास बताया था और इस पे हम लोगों ने बताया था कि इस पे आने वाले टाइम पे ये ब्रेकआउट करेगा। देखिए 1500 से आज 2000 रुपये में इसने क्लोजिंग की है। NTC ब्लॉकबस्टर, NTC इंडस्ट्री लिमिटेड, ये तो ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। जैसे ब्लॉकबस्टर में आपने देखा होगा ब्लॉकबस्टर पिक्चरें हिट होती है, 134 के आसपास बताया था और 227 आज ये जा चुका है सिर्फ 1 से 1.5 महीने में। तो ये टारगेट कैसे मिलते हैं? टारगेट मैं हमेशा कहता हूँ आपको, टारगेट कैसे मिलेंगे? टारगेट के लिए आपको कुछ नहीं, 5 से 6 चीजें रेगुलर फॉलो कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और अगर आप सेटअप के सामने काम करते हैं तो वहां पे उसे पिनअप करके रखिए। देखिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपका होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद क्या होना चाहिए, किस लेवल पे आपको एंट्री करनी है, किस लेवल पे आपको एग्जिट करनी है, यानी कि लेवल। उसके बाद क्या होना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपकी फिलॉसफी पे काम नहीं करेगी, इसलिए मनी मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए और पेशेंस रखिए। देखिए जो सेटअप हम लोग देते हैं यहाँ पे 90% वहाँ पे एक्यूरेसी रेट मिलती है आपको। एग्जाम्पल बताते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं, किसी में 2 से 3 मंथ, किसी में 3 से 4 मंथ, किसी में अगर 6 से 8 मंथ होगा तो उस हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड बताते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से ये चार्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड पेशेंस के साथ जो होल्ड करेगा वो यहाँ से लेवल लेके जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। तो देखिए आज जो स्टॉक है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए ग्रेव्स कॉटन लिमिटेड, अभी तक इस चार्ट को हम लोग क्यों नहीं लेके हैं और अभी क्यों लेके हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए 169 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अपने इन्वेस्टर को कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, सोचिए ये 2014 में एक ब्रेकआउट करता था, 65 रुपए का ब्रेकआउट करता था, वहां पे एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है, एक हाई लगा के जाता है 180 के आसपास। अभी देखिए यहाँ पे ये हाई लगा 180 का 2017 पे, आज के डेट में 170 पे, यानी कि 7 साल के बाद भी ये कहाँ पे है, अपने लेवल से नीचे है, यानी कि जो 180 का यहाँ पे हाई लगा था 185 का, उससे नीचे आज की डेट पे है, वहां से भी 10% नीचे ही है। तो अभी इस पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करता है ना, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, पहले यहाँ पे इस पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद 130 के बाद एक हाई लगाया जाता है 255 का। अभी देखिए 255 का एक हाई लगाया, यानी कि यहाँ पे जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया उसके लिए तो सही था, और जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया उनका पैसा फिर से वो लटक जाता है, और यहाँ पे 170 के आसपास आज भी भाव है। तो अभी क्या सेटअप बन रहा, देखिए यहाँ पे एक जो सेटअप था, यहाँ पे ये सेटअप था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, अभी फिर से क्या कर रहा है, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही बना रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा था, जब जब इस लेवल के पास जा रहे थे, यानी कि ट्रेंड लाइन के जब जब पास जाता था ना, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी इसमें। अभी क्या हुआ, इसने क्या किया है, ये लेवल 2 साल के बाद इसने लगभग इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे क्या किया, जब जब जाता था इसमें ब्रेकडाउन ही हो जाता था,
जहां जहां जाता था ब्रेक डाउन हो जाता था, मैंने लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। अभी फिर से ये उस असेंडिंग एंगल के पैटर्न के पास है, यहीं पे इसकी क्लोजिंग हुई है और यहीं पे यही लेवल है 170-172 का एक लेवल है। अभी इस पे क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, देखिए इसके ऊपर हम लोगों को क्या चाहिए, 185 के इसके ऊपर इसकी वीकली क्लोजिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप था ना, ये टॉप के आसपास ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, इसके ऊपर ही वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो इसके ऊपर जब वीकली क्लोजिंग आ जाएगी तब फिर ये चार्ट जो हो जाएगा यहाँ से बुलिश हो जाएगा। अभी तक क्या कर रहा है, अभी तक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हो सकता है फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर एक चैनल में आके फंस जाए। यहाँ पे क्या, ये चैनल में फंसा हुआ, अगर आप देखोगे मार्क करके दिखाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ, अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। कितने सालों से, आप लगोगे 2014, 10 साल से एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे एक बार सिर्फ निकला था 2022 में, मगर ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से उस बॉक्स के अंदर आ गया। तो अभी क्या कर रहा, पिछले 10 साल से ये एक बॉक्स के अंदर ही फंसा हुआ है। तो यहाँ पे बॉक्स के बाहर कैसे निकलेगा, बॉक्स के बाहर निकलने के लिए इसे 185 के ऊपर इसकी वीकली क्लोजिंग हो जाए, और यहाँ से जैसे इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी तो इसमें एक सुपर डुपर रॉकेट मूवमेंट आना स्टार्ट होगा, जो इसे काफी क्विक टाइम पे, जो यहाँ से काफी क्विक टाइम पे इसे फर्स्ट लेवल, जो इसका फर्स्ट लेवल हम लोग ने निकाला है चार्ट के अकॉर्डिंग वो 230 रुपया, वो लेवल काफी आसानी से आएगा और काफी जल्दी आएगा। उसके ऊपर चार्ट रॉकेट की तरह अगर यहाँ से अगर साल भर अगर कोई इसे नजरिया देगा, यानी कि 185 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद ऊपर साल भर का नजरिया देगा तो ये चार्ट यहाँ से क्या कर सकता है, 100% तक की रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जब इस तरह से जब चार्ट निकलते हैं तो निकलते नहीं है, वो रॉकेट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे लेवल जो निकालते हैं हम लोगों उस पे कैसे रिजल्ट बनता है, आप देख सकते हैं 90% आपको यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। बशर्ते क्या है, आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए और पेशेंस के साथ होल्ड रखना आना चाहिए। जो इस लेवल को यानी कि इस चीजों को नोट डाउन करेगा वो काफी दूर तक जाएगा। तो इस पे जो दूसरा लेवल 265, ये 6 महीने से लेकर साल भर या उससे भी पहले आ सकता है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए 185 के आसपास क्लोजिंग, ऊपर में वीकली, वीकली से करते हैं मंथ में, कि मंथ में क्या बता रहा है कुछ। देखिए मंथ में आपको पता चलेगा कि ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्लियर कट ये कैंडल बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि ये अब की बार ये उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। 90% चांसेस है कि इसके ऊपर निकल जाए, 10% चांसेस ही है कि ये ना निकले इस बार, यानी कि 90% चांसेस है कि 185 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। वीकली वीकली क्लोजिंग होगी तो वहां से इसमें एक सुपर रॉकेट मूव बन सकता है। सेकंड जो स्टॉक है यहाँ पे ट्रेल, करंट मार्केट पर 50 रुपए के आसपास, अभी देख सकते हैं इसका ज्यादा लंबा चार्ट है नहीं हम लोग के पास में। 2023 के आसपास इसकी लिस्टिंग होती है 38 रुपए के आसपास, एक लो लगा जाता है 28 से एक यहाँ पे अच्छा खासा रनअप बनता है, एक 60 रुपए का एक हाई टच करके आ जाता है। आज के टाइम 50 रुपये, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था 50 के आसपास, 50 का ब्रेकआउट करता है 60 रुपये, यानी कि 20% बनता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट गिरा, ये भी गिरता है और गिरावट के एक बार फिर से कहाँ आ जाता है, 38 रुपये के लेवल के आसपास, और वहाँ से धीरे धीरे करके अब ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट क्या था, यानी कि इस जगह पे काफ़ी टाइम इसने भी गुजारा है, यानी कि 45 रुपये के आसपास इसने क्या किया, काफ़ी टाइम गुजारा है, 45 के ऊपर निकल नहीं पा रहा था और अभी निकल रहा है, यानी कि आज की डेट में 50 के आसपास। तो अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई है, ये जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा था तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक आया था, नीचे आ जाता था। आज भी इसने क्या किया, आज भी इसी ट्रेंड लाइन को इसने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया, बट आने वाले टाइम पे ये इस ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे करके क्या कर जाएगा, काट जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, धीरे धीरे करके इस ट्रेंड लाइन को काट जाएगा। इस तरीके से काटेगा डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद, अब आप डेली से कर देते हैं इसे वीक में कन्वर्ट, यहाँ पे करते हैं वीक में कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे वीकली में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे जो प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए उस हिसाब से प्रॉपर ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। ये क्या हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आप फंस भी सकते हो। तो इसे क्या करना चाहिए, अभी तो वीक का पहला दिन है, पहला नहीं अभी तो तीसरा दिन है, तो चौथे दिन का आप इंतजार कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे कल इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग अभी हम लोग को क्या देखनी है, इसकी क्लोजिंग देखनी है यहाँ पे कि 55 के ऊपर
बावन तिरपन किसी भी लेवल के ऊपर में इसकी क्या हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, तब फिर इसमें क्या आएगा, ये इस ट्रेंड लाइन को भी काटेगा और यहाँ पे वीकली में ये ब्रेकआउट भी करेगा इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। उसके बाद इसमें एक रॉकेट मोमेंटम आने की चांसेस है, जो इसे कहाँ तक लेके जा सकता है, इसे ये 75-95 ये दोनों लेवल काफी आसानी से आ सकते हैं आने वाले 3 से 4 मंथ में। तो यहाँ पे टाइम और पेशेंस जो देगा, मनी मैनेजमेंट देगा, वो टारगेट लेके घर जाएगा। किसी भी स्टॉक के बारे में जानना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।